हेलो प्यारे व्यूवर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करें इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। जी हां प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम की रील्स को किस तरह वायरल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा, आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। उसके लिए यहाँ पे आपने आ जाना है अपने अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्राइवेसी में आके यहाँ पे देख सकते हैं आपको रील्स एंड रिमिक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ फॉर रील्स, इसको आप टर्न ऑन कर देना है। अलाउ फॉर फीड वीडियोज़, इसको आपने टर्न ऑन करके अलाउ फॉर फोटोज़, यानी ये तीनों टूगल आप टर्न ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे आपने फेसबुक वाला टूगल भी ऑन कर देना है, क्योंकि अगर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो फेसबुक के साथ लिंक्ड है तो इसका टूगल ऑन करेंगे तो आपकी जो रील्स हैं वो आपके फेसबुक अकाउंट में भी जाएंगी वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक होती है शायद इंस्टाग्राम से। अगर कम भी होती है तो दोनों ट्रैफिक आपको लगेंगी, इंस्टाग्राम की भी और फेसबुक की भी। तो आपका जो है वो व्यूज़ बढ़ेंगे, आपकी रील वायरल होने के चांसेस हैं। उसके बाद आपने बैक हो जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से बैक होके यहाँ पे आपने क्या करना है, आप बैक होके सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने ऐप्स में आ जाना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने जो भी रील्स यहाँ पे अपलोड किए इंस्टाग्राम पे, तो आपने क्या करना है, उन्हें डिलीट कर देना है। अगर आपकी कोई ज़्यादा व्यूज़ वाली है तो उसे रहने दें, नहीं तो उसे डिलीट कर दें। और जो अब मैं तरीका बता रहा हूँ इसे फॉलो करते हुए नई रील्स बनाएं और अपलोड करें। वो सब करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिए। तो जो भी आपके यहाँ पे ड्राफ्ट है आपने उसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने स्टोरेज और कैशे को क्लियर कर देना है। यहाँ से क्लियर करने के बाद दोबारा से इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्लस को ओपन करके तो रील में आने के बाद आपने सिंपली से क्या करना है, वो आपने फ़िल्टर इस्तेमाल करना है जो ट्रेंड के ऊपर हो, यानी रील बनाते वक्त वो फ़िल्टर इस्तेमाल करें जो ट्रेंडिंग के ऊपर हो, और म्यूज़िक भी वो लगाएं जो ट्रेंडिंग के ऊपर है वो। उसके बाद बैक होने के बाद, यानी जब आप रील्स को ना लें, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इस रील को अपलोड कैसे करना है। यहाँ पर अब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये वीडियो मैं अब बनाऊँगा। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर, ये वीडियो मैं आप बनाऊंगा, दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपने दो या चार आपने हैशटैग देने हैं। ओके प्यारे व्यूअर्स, अच्छे से यहाँ पे आपने हैशटैग दीजिए। यहाँ पे कैप्शन भी आपने अच्छा सा लिखना है और हैशटैग भी यहाँ पे आपने अच्छे से देने हैं। तो कुछ इंस्टाग्राम के मशहूर हैशटैग हैं वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी दो तीन डालिएगा, और वीडियो के मुताबिक भी एक दो होने चाहिए। और कोई भी मशहूर अगर यहाँ पे हैशटैग आपको मिलते हैं, अगर इंस्टाग्राम के नहीं भी हैं तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी जो रील है वो हिट करवानी है, यानी उसके व्यूज़ बढ़ाने, उसे वायरल करवाना है। तो कोई और भी अगर आपको यहाँ पे हैशटैग मिलते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो हैशटैग जो हैं वो आपकी वीडियोस को वायरल करने में काफ़ी किरदार अदा करते हैं। तो इंस्टाग्राम के भी रिलेटेड एक तो होने चाहिए और आपके वीडियो का कैप्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके प्यारे व्यूअर्स, तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।